हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश और उत्कृष्ट टेक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमएस एक्सेल में कैसे हम आसान किए गए फंक्शन के द्वारा नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो न्यूमेरिक अमाउंट है उसको रुपीज़ इन वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बीबीए कोड के थ्रू एक फंक्शन को असाइन करेंगे और हम एक एडन फाइल को क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें प्रत्येक कोर्स वर्कबुक में बीबीए कोड को पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हम नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमें सिर्फ एक ही बार एडन फाइल को क्रिएट करना है और उसको एमएस एक्सेल में ऐड करना है। इसके बाद हम किसी भी न्यू वर्कबुक या फिर एग्जिस्टिंग वर्कबुक में असाइन किए गए फंक्शन के द्वारा नंबर्स को बहुत ही आसानी से वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडन फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, एमएस एक्सेल की एक न्यू वर्कबुक को क्रिएट करना है। उसके बाद हमें बीबीए प्रोजेक्ट विंडो को ओपन करना है। तो बीबीए प्रोजेक्ट विंडो को ओपन करने के लिए आप मेनू बार में डेवलपर टैब पर क्लिक करें और उसके बाद आपको विजुअल बेसिक की जो टैब है उस पर क्लिक करना है, या फिर आप सिंपली ऑल्ट प्लस F11 की को प्रेस करके विजुअल बेसिक की जो प्रोजेक्ट विंडो है उसको आप ओपन कर सकते हैं। देन हमें यहाँ पे शीट वन पर राइट क्लिक करना है और एक मॉड्यूल को इंसर्ट करना है। तो हम शीट वन पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे एक मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बीबीए कोड को पेस्ट करना है। तो हमारे पास ये बीबीए कोड है जो हमने पहले से तैयार करके रखा है, हम इस बीबीए कोड को उस मॉड्यूल में जाके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन असाइन किया है, उसका नाम है CINR। तो इस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको इस बीबीए कोड की टेक्स्ट फाइल की जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि हमारी वेबसाइट utkarsh-tech.com पर अवेलेबल है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे बीबीए कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करने के बाद मॉड्यूल में जाके हम पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फाइल पर जाना है और इस फाइल को सेव करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा सेवेज टाइप होगा वो होगा एक्सेल एडन, जो हमारा सेवेज टाइप है वो होगा एक्सेल एडन। तो हमें यहाँ पे एक्सेल एडन सेलेक्ट करना है, जिसका एक्सटेंशन है XLAM। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हमने जो फाइल टाइप एक्सेल एडन सेलेक्ट किया, वैसे ही ऑटोमेटिक इसका जो माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट एडेंस फोल्डर है वो ओपन हो जाता है। तो गाइस, ये बेटर होगा कि आप इसी डिफॉल्ट एडेंस वाले फोल्डर में इस एडन फाइल को सेव करें, जिससे क्या होगा कि अगर आप इस फाइल को ऐड कर लेते हैं एडेंस में, तो इन फ्यूचर आपको इसके मिसप्लेस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। आप चाहें तो दूसरी जगह भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन आप फिर आपको ध्यान रखना है कि ये फाइल मूव या डिलीट ना हो। यहाँ पे आप इस फाइल का जो भी नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं। और हम यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देंगे। इसके बाद हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे और अब हमारी जो एडन फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, इस एडन फाइल को एमएस एक्सेल में ऐड करना है। तो हम फाइल पर क्लिक करेंगे, देन हमें ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एडेंस पर क्लिक करना है, देन गो पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे और हमने जो फाइल क्रिएट की थी आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल शो हो रही है। उसके बाद इस फाइल को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है और ये हमारी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अभी जो एडन फाइल क्रिएट की थी उसको हमने ऐड कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू टाइप करते हैं और उसके बाद हम इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे और हमारा फंक्शन था CINR। जैसे आप कुछ इनिशियल लेटर टाइप करेंगे तो फंक्शन शो हो जाएगा, उसके बाद आप टैब की प्रेस करके उस फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। देन आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी वो न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो चुकी है और ये जो फंक्शन है हमारा वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइस, यहाँ पे एडन फाइल क्रिएट करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब भी आप कोई भी नई वर्कबुक क्रिएट करते हैं या कोई भी एक्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करते हैं, तो आपको बार बार हर एक वर्कबुक में बीबीए कोड पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार एडन फाइल को क्रिएट करना है और उसको ऐड कर देना है। उसके बाद आप कोई भी नई वर्कबुक क्रिएट करें या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करें, आप इस फंक्शन के द्वारा आसानी से नंबर्स को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपके लिए वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहेगा।
और आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।